आज के वीडियो में आपको बताएंगे लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस क्या है, लिब्रे ऑफिस में राइटर क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस में केल क्या होते हैं, लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस क्या होते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस में अंतर क्या है। लिब्रे ऑफिस जो आपका है उसमें जो क्वेश्चन ट्रिपल सी के अंतर्गत आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको बेसिक क्या नाम है कि बताएंगे, जो कि बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको जब एमएस ऑफिस का थ्योरिकल क्लास हमने दिया था तो उसमें आपको लिब्रे ऑफिस के बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे कि लिब्रे ऑफिस आपको आगे बताएंगे, और जैसे एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड के बारे में बताए थे, वर्ड का थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दोनों दिए थे, उसी प्रकार आपको लिब्रे ऑफिस का आज थ्योरिकल क्लास जो कि बेसिक बिल्कुल रहेगा, क्वेश्चन के साथ रहेगा, और उसके बाद फिर हम आपको इसका प्रैक्टिकल भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं लिब्रे ऑफिस है क्या, फिर इसके अंतर्गत जो राइटर आता है वो है क्या, उसके अंतर्गत मेनू जो आते हैं वो क्या होते हैं, उसमें शॉर्टकट की क्या होती हैं, कितने शॉर्टकट की जो एक जैसे काम करती हैं, कितने डिफरेंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर पहले जानते कहते किसे हैं, लिब्रे ऑफिस कहते किसे हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस है क्या, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि इसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाया जा सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, चाहे वो आपका क्या नाम है कि विंडोज 7 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 8 हो, चाहे 8.1 हो, कोई भी विंडो उस पर चलाया जा सकता है। ठीक है, यह एक क्या है, ओपन सोर्स है। उसके बाद कह सकते हैं कि लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया एक ऑफिस सूट है जिसके अंतर्गत शब्दांश के लिए राइटर और केल्क नंबर के लिए केल्क और क्या नाम है कि प्रेजेंटेशन के लिए इंप्रेस का उपयोग किया गया। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा विकसित किया गया एक ऑफिस सूट साइट है, वो ऑफिस सूट एप्लीकेशन है, ऑफिस सूट है जिसके अंतर्गत वर्ड यानी कि शब्दांश के लिए राइटर और नंबर कैलकुलेशन के लिए केल्क और उसके बाद यानी कि प्रेजेंटेशन के लिए इंप्रेस का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो यहीं से आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो लिब्रे ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ये कि जो इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हैं। बात यह आती है कि लिब्रे ऑफिस हमारे सिस्टम में नहीं है तो उसको हम यूज कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो उसे सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए और इंटरनेट के साथ साथ आपके पास एक ब्राउजर होना चाहिए, चाहे गूगल हो, चाहे गूगल क्रोम हो। ठीक है, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद सीधे कुछ नहीं करना, बस आपको लिब्रे ऑफिस लिख देना है। लिब्रे ऑफिस लिखने के बाद इंटर कर देना है। जैसे लिब्रे ऑफिस लिखेंगे तो वो आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, और उसके बाद क्या नाम है कि वहां से आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें दो चीजें ध्यान रखना होता है कि आपका जो सिस्टम यानी कि जो कंप्यूटर है वो 32 पे काम कर रहा है, ठीक है, या 64 बिट पे काम कर रहा है। यानी कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर 2 GB का रैम है तो उसे 32 बिट पे फॉर्मेट करते हैं, और अगर 4 GB का रैम है तो उसे 64 GB फॉर्मेट करते हैं, या फिर 8 GB का तो 64 बिट पे फॉर्मेट करते हैं। ये बिट क्या होते हैं आपको अगले वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक तरीके से बता देंगे, बिट क्या होते हैं, कोर क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 32 बिट को देखने के लिए कंप्यूटर जो आपका होता है, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप पे आइकॉन होता है उस आइकॉन पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको बता देता है कि आपके पास रैम कौन सा है, सिस्टम कितने बिट पे काम कर रहा है, प्रोसेसर कौन सा है, सर्विस पैक कौन सा है, सारी चीज़ें बता देता है। तो आप वहाँ से उसको देख लेंगे और फिर तब जाके क्या करेंगे, उसको डाउनलोड करेंगे क्या नाम है कि इंटरनेट के माध्यम से। तो 32 बिट वाले को इंटरनेट पे x86 के दर्शाया जाता है, और क्या नाम है कि 64 बिट वाले को x64 से ही क्या नाम है कि ऐसे x64 से ही क्या नाम है कि ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, तो जो x64 करेंगे 64 बिट, x86 करेंगे तो आपका 32 बिट पे डाउनलोड होगा। ठीक है, वैसे अधिकांश जितने भी आपके लैपटॉप होंगे या कंप्यूटर होंगे सब में लगभग 4 GB तक का ही रैम होगा, तो इसलिए उसमें आप 64 बिट वाला ही क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 32 बिट वाला कर लेते तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क क्या रहेगा कि 32 बिट वाला डाउनलोड के लिए सिस्टम 64 बिट पे काम कर रहा है तो वो 2 GB का रैम उसमें क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा, बाकी 2 GB को क्या करेगा, साइड में रखा रहता है। ठीक,
ठीक है, ये चीज़ें तो डाउनलोड कर ले लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि इंस्टॉल करना हो, कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना हो चाहे ओपन करना हो, इन सब का तरीका एक ही होता है, इंस्टॉल करना और ओपन करना। कोई भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, उसके सेटअप पर जा करके डबल क्लिक करिए, यस करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करिए, आपका इंस्टॉल हो जाता है। अगर वो सीरियल नंबर मांगता तो सीरियल नंबर डाल देंगे, सीरियल नंबर नहीं मांगता है तो आप सीधे सीधे नेक्स्ट करते जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। कोई कोई एप्लीकेशन इंटरनेट मांग लेता है इंस्टॉल करते समय, कोई कोई इंटरनेट नहीं मांगता है, लेकिन ये इंटरनेट नहीं मांगेगा, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही स्टार्ट बटन पे जाना पड़ेगा। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद, स्टार्ट बटन पे जाने के बाद आपको आल प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, और आल प्रोग्राम में वहीं पे आपको लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं से आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें राइटर रहता है, राइटर के बाद उसमें क्या नाम है कि राइटर के बाद उसमें कैल्क रहता है, इंप्रेस रहता है, और भी उसमें दो तीन एप्लीकेशन रहते हैं, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टॉल होते समय उसमें शॉर्टकट का भी ऑप्शन रहता है, शॉर्टकट पर कर देंगे तो डेस्कटॉप पर चलाता है, आप डेस्कटॉप से भी उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चीजें थी ओपन करना और लिब्रे ऑफिस है क्या, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये चीजें। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि जो इसमें राइटर है, राइटर होता क्या है, राइटर और एमएस वर्ड में अंतर क्या है। ठीक है, एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको तो देखिए, लिब्रे ऑफिस में, और यहां से हम लिख देते हैं एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस को कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसको बिल गेट्स के द्वारा 1989 में यानी कि विकसित किया गया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। ठीक है, लेकिन लिब्रे ऑफिस को कब किया गया था विकसित, लिब्रे ऑफिस को देखिए, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बना दिया गया था सितंबर 2010 में, और जब कोई भी चीज़ एक बार बन जाती है तो वो कुछ दिनों के लिए गोपनीय रहती है, बाद में फिर उसको लोगों के बीच पेश किया जाता है। तो जब क्या था, सितंबर 2010 में ही। ठीक है, तो आपका जो एमएस ऑफिस है, इसके पहले की बात करें एमएस ऑफिस, तो आपका 90 फिर क्या नाम है कि 95, फिर उसके बाद क्या नाम है कि ऐसे करके आपका चल रहा था। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें है। तो लिब्रे ऑफिस में देखिए, लिब्रे ऑफिस में एक आपका होता है राइटर, एक आपका होता है राइटर, और इसमें आपका एक होता है वर्ड, वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक होता है, दूसरा होता है कैल्क, कैल्क, इसमें आपका दूसरा होता है एक्सेल, एक्सेल। ठीक है, इसमें आपका तीसरा होता है इंप्रेस, इंप्रेस, तीसरा आपका होता है इंप्रेस, और इसमें तीसरा आपका होता है पावर पॉइंट, पावर पॉइंट, और फिर इसके बाद इसमें जो चौथा आपका होता है डेटाबेस होता है, डेटाबेस, डेटाबेस, और इसमें आपका चौथा आपका होता है एक्सेस, एक्सेस। ठीक है, इस तरीके से और भी है, इसमें लगभग 7 या 8 ऐसे एप्लीकेशन आते हैं छोटे छोटे, और इसमें भी 4 या 5 आपके एप्लीकेशन आते हैं छोटे छोटे। ठीक है, इस्तेमाल हमको राइटर, केल्क और इंप्रेस ही करना रहता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस करना रहता है। क्वेश्चन आपके राइटर, केल्क, इंप्रेस से ही पूछे जाते हैं अधिकतर करके, ट्रिपल सी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहा नहीं जाता कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं क्वेश्चन लगभग लगभग लिब्रे ऑफिस से। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात करते हैं कि जो राइटर, तो लिब्रे ऑफिस में जो राइटर है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो वर्ड डॉक्यूमेंट है लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जाना जाता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल है लिब्रे ऑफिस में उसे कैल्क के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो पावर पॉइंट है उसे लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस के नाम से जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेस है उसे लिब्रे ऑफिस में डेटाबेस के नाम से जानते हैं। अब लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है एक प्रकार का क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, डेटा, रिज्यूम, कोई भी चीज बनाना होता है तो राइटर को उपयोग करते हैं, इसलिए लिब्रे ऑफिस राइटर को वर्ड प्रोसेस भी कहते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को इसे वर्ड प्रोसेस भी कहते हैं, इसलिए इसे वर्ड प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्ड से संबंधित काम होते हैं, वर्ड से संबंधित काम होते हैं, वर्ड का मतलब शब्द, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी कहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट को भी वर्ड प्रोसेस कहते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट को भी वर्ड प्रोसेस कहते हैं। लिब्रे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल जो होता है उसमें नंबर को कैलकुलेट करने के लिए जोड़ने घटाने के ऐसे और भी उसमें छोटे छोटे कैलकुलेशन भी किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग भी की जाती है, उसी तरीके से आप कैल्क में भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन से संबंधित काम करते हैं तो इसमें भी प्रेजेंटेशन से
संबंधित काम करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ तक से लेकर के और लिब्रे ऑफिस क्या है वहाँ तक में क्वेश्चन क्या है? पहला कि लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है। लिब्रे ऑफिस में शब्दांश के लिए किसका उपयोग किया जाता है, राइटर का। लिब्रे ऑफिस में नंबर के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नंबर कैलकुलेशन के लिए केल्क का। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए किसका उपयोग होता है, आपका इंप्रेस का। लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किस नाम से जाना जाता है, पावर पॉइंट के नाम से। लिब्रे ऑफिस में केल्क माइक्रोसॉफ्ट में किस नाम से जाना जाता है, एक्सेल के नाम से। माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड डॉक्यूमेंट, लिब्रे ऑफिस में राइटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब यहां से पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, तो प्रेजेंटेशन के लिए जो यूज होता है वो इंप्रेस होता है। लिब्रे ऑफिस का कौन सा डॉक्यूमेंट, जो कौन सा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है, राइटर करता है। लिब्रे ऑफिस का कौन सा एप्लीकेशन फार्मूला यूज या फिर फार्मूला को लगाने का या फिर नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो केल्क का किया जाता है। लिब्रे ऑफिस में किस एप्लीकेशन का उपयोग पीडीएफ को बनाने के लिए करते हैं, तो आपका राइटर का। लिब्रे ऑफिस में किस एप्लीकेशन का उपयोग प्रेजेंटेशन से संबंधित कार्य करने के लिए करते हैं, तो इंप्रेस का। प्रेजेंटेशन से संबंधित काम करने के लिए लिब्रे ऑफिस में कौन सा यूज होता है, तो ये आपका इंप्रेस। इस तरीके से आपका क्या होता है, क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन क्या होता है कि पूछा जाता है। एक और पूछता है कि लिब्रे ऑफिस किसके द्वारा विकसित किया गया था, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी के द्वारा। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाउंडेशन कंपनी के द्वारा, फिर डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा इसको विकसित किया गया। एक ऑफिस सूट है, ऑफिस सूट का मतलब कि बिल्कुल एमएस ऑफिस की तरह दिखता है। तो अंतर बस इसमें आपको दिखेगा कैसे, तो पहला तो आपको यह दिख रहा है कि ओपन सोर्स है, जबकि एमएस ऑफिस को ओपन सोर्स नहीं बताया गया, एप्लीकेशन बताया गया। ठीक है, यह चीज है। अब देख, तो अब बात कर लेते हैं राइटर क्या है। ठीक है, राइटर को हम ओपन करेंगे तो उसमें जो बार होते हैं, यानी कि जो पट्टियां होती हैं, रूलर होते हैं, मेनू बार होते हैं, पेज होते हैं, स्टेटस बार होते हैं, ये सारे होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं या फिर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो हमें ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसकी पहली पट्टी टाइटल बार कहलाती है, दूसरी वाली पट्टी मेनू बार कहलाती है, तीसरी वाली पट्टी स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेटिंग बार कहते हैं, और निचले वाले को स्टेटस बार कहते हैं, निचले वाले को। यहाँ पे एक और पट्टी होती है, इस पट्टी में स्क्रोल बार होता है, स्क्रोल बार जिसको वर्टिकल बार भी कह सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में यहाँ पे एक और पट्टी होती है, इसे साइड बार कहते हैं। यहाँ पे एक क्या होता है कि पेज होता है, जो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है। टाइटल बार में आपका राइट साइड में मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज के जस्ट बगल में मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज के जस्ट बगल में क्लोज होता है, और यहाँ पे मेनू होता है, फाइल होता है, फाइल के बाद आपका एडिट होता है, एडिट के बाद आपका व्यू होता है, व्यू के बाद इसमें इंसर्ट होता है, इंसर्ट के बाद इसमें फॉर्मेट होता है, ऐसे करके कुल 11 मेनू होते हैं राइटर के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या नाम है कि यहाँ पे नंबर का जो पेज है इसका डिफॉल्ट साइज होता है, यहाँ पे ये प्लस का सिंबल होता है जिसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पेज वन लिखा रहता है, पेज वन लिखा रहता है। ठीक, यहाँ पे आपका क्या होता है, ऐसे डॉट डॉट करके ये रूलर होता है, ऐसे क्या होता है कि ये रूलर होता है, यानी कि जो डॉट डॉट रहते हैं यहाँ पे नंबरिंग रहती है, इस तरीके से नंबरिंग इसको कर देते हैं, ये रूलर आपका रहता है जो मार्जिन को सेट करने का काम करता है, या फिर मार्जिन इसे सेट की जाती है रूलर के सहायता से। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि ये आपका टाइटल बार, जो कि हम हर एप्लीकेशन में आपको बताएं कि ये टाइटल बार है, ये आपका क्या है कि मिनिमाइज है, मिनिमाइज ये आपका मिनिमाइज, और ये आपका मैक्सिमाइज है, मैक्सिमाइज है, और ये आपका क्या है कि क्लोज है, ये आपका क्लोज है, और ये आपका स्क्रोल बार होता है, ये आपको पहले ही बताया स्क्रोल बार होता क्या है, ये आपका साइड बार है, साइड बार, और नीचे वाला जो पट्टी आपका ये स्टेटस बार कहलाता है, स्टेटस बार, नीचे वाली पट्टी आपकी स्टेटस बार कहलाती है, ये बाय डिफॉल्ट साइज एरिया है। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये आपका पेज है जिसे डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे आपका ये रूलर है, इसे रूलर कहते हैं। ठीक है, और ये आपका मेनू बार है इधर, इसको हम मेनू बार कहते हैं। ठीक है, मेनू बार कहते हैं, और ये आपका क्या है, आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड टूल बार है ये टूल बार, और इसको इसी में आप फॉर्मेटिंग बार इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो स्टैंडर्ड टूल बार, टाइटल बार, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, वर्टिकल बार, स्क्रोल बार या फिर साइड बार, रूलर और स्टेटस बार, बाय डिफॉल्ट साइज यहाँ पे पेज आपका है, ठीक है। यानी कि ये पेज वन एक पेज है आपका, तो पेज वन बता रहा है। जब ये ओपन होता है तो आपको ऐसे ही दिखता है, ठीक। कोई भी एप्लीकेशन हो उसका अपना अपना टाइटल बार होता है, अपना मेनू बार होता है, अपना स्टैंडर्ड टूल बार होता है, फॉर्मेटिंग बार होता है, स्टेटस बार होता है, सब में कुछ न कुछ क्या नाम है कि थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ मेनू ऐसे होते हैं जिसमें हर ऑप्शन एक जैसे ही होते हैं, हर ऑप्शन क्या होते हैं कि एक जैसे ही होते हैं। मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, वर्टिकल बार क्या होता है, उसके बाद क्या नाम है कि स्टेटस बार क्या होता है, रूलर क्या होते हैं, ये सारे हम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत विस्तार से बता दें और लगभग सारे वीडियो में आपको बताते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि ये है क्या, ये पट्टी होती क्या है, बार को पट्टी कहते हैं, ये चीज़ें, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि अब इसके अंतर्गत जो मेनू आते हैं, ठीक, मेनू, तो यहाँ से पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक तो पहले बेसिक का मतलब कि लिब्रे ऑफिस जब ओपन होता है तो उसका जो पेज होता है वो हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ओपन होता है, खड़े मोड में होता है। पेज के दो मोड होते हैं, एक लैंडस्केप मोड होता है, एक पोर्ट्रेट मोड होता है। लैंडस्केप मोड में पेज की लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, और पोर्ट्रेट मोड में पेज की लंबाई क्या नाम है कि अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है पोर्ट्रेट मोड में। यानी कि ये अभी क्या है, पोर्ट्रेट मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में, तो इसमें इसकी लंबाई अधिक चौड़ाई कम होगी, और जब कोई पेज लैंडस्केप मोड में होगा तो उसकी चौड़ाई अधिक और लंबाई कम होगी, ठीक है। तो पेज के दो मोड होते हैं, एक लैंडस्केप मोड, एक पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। तो जो आपका लिब्रे ऑफिस का पेज ओपन हो के आता है वो पोर्ट्रेट मोड में ही आता है, लैंडस्केप मोड में ओपन है नहीं होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट का हो चाहे वो आपका राइटर का हो, बाद में हम उसको लैंडस्केप मोड करना रहता है तो कर लेते हैं। इसके पेज को मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400% तक, और कम से कम जूम कर सकते हैं 20% तक, कम से कम 400, अधिकतम कर सकते हैं मैक्सिमम 400 और कम से कम 20% तक क्या कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं इसके पेज को। यहाँ पे ये जो साइड बार है, साइड बार से हम रिबन को इंसर्ट कराते हैं, मीडिया इंसर्ट कराते हैं, स्टाइल को यूज करते हैं इस साइड बार से। साइड बार लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत व्यू मेनू में पाया जाता है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होती है। इसकी शॉर्टकट की जो होती है साइड बार की, ये कंट्रोल प्लस क्या होती है कि F5 होती है, और रूलर की इसमें जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है कि R होता है रूलर की शॉर्टकट की, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो क्या नाम है कि नीचे की पट्टी है, ये नीचे की लिब्रे ऑफिस राइटर की निचली पट्टी स्टेटस बार कहलाती है, और स्टेटस बार में पेज नंबर और वर्ड ऑटोमेटिक क्या होते हैं, काउंट होते हैं, गिने जाते हैं, ठीक है। कितना पेज है आपके पास, आप कितना नंबर के पास, जो वर्ड है वो कितना है, अक्षर कितना है, ये सब क्या होते हैं, गिने जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में वर्ड ऑटोमेटिक काउंट होते हैं या फिर पेज काउंट होते हैं, तो ये काउंट होते हैं, सही बात है। आपका चाहे वर्ड डॉक्यूमेंट का हो चाहे राइटर का हो, स्टेटस बार पे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं, काउंट होते हैं। फिर कितना पेज है, कितना आपके पास वर्ड है, कितना कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, स्टेटस बार में मिल जाती है। बहुत से लोग जब लिब्रे ऑफिस स्केल का एक्सेल में जब जोड़ना चाहते हैं कोई भी नंबर को, तो कोई भी नंबर लिख करेंगे उसको लिख करके सेल में सेलेक्ट करके स्टेटस बार में देख लेते हैं, स्टेटस बार में जुड़ करके दिखाता है सबका, सब नंबर को सम करके दिखाता है, उसको सीधे वहां पे क्या करते हैं, टाइप कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप उस स्टेटस बार में देख सकते हैं, नंबर कैलकुलेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, नंबर काउंट भी हो जाता है, वर्ड भी काउंट होते हैं, पेज भी काउंट होते हैं, ठीक है, ये आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन के अंतर्गत 3-4 क्वेश्चन आएंगे। पहला कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट पेज साइज कितना जूम कर सकते हैं, तो 400%, ठीक है, कम से कम कितना कर सकते हैं, 20% तक। लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो .odt का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में .doc और .xml होता है, एक और होता है .xml, ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है, ये चीज है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन नाम .odt है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में .doc और .x है। लिब्रे ऑफिस राइटर में
स्टेटस बार में ऑटोमेटिक नंबर काउंट होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ओपन होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट से संबंधित काम करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पीडीएफ बनाने का भी काम करते हैं, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में क्या नाम है, कुल मीनू की संख्या 11 होती है, कुल मीनू की संख्या 11 होती है, कितनी होती है 11 होती है, कितनी होती है 11 होती है, ठीक है, ये चीज़ है। अब हम यहाँ पे मीनू लिखते हैं और मीनू के बारे में जानते हैं कि मीनू इसमें है क्या, ठीक है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में जो मीनू होते हैं, मीनू के बारे में देखते हैं। मीनू पहला इसमें आपका होता है फाइल, दूसरा आपका होता है इसमें एडिट, तीसरा आपका होता है व्यू, चौथा आपका होता है इंसर्ट, उसके बाद होता है फॉर्मेट के बाद आपका होता है टेबल के बाद इसमें होता है टूल्स के बाद इसमें होता है स्टाइल के बाद इसमें होता है फ्रॉम के बाद इसमें होता है विंडो इसके बाद इसमें होता है हेल्प, ठीक। ये टोटल कितने हैं 11 मीनू, यानी कि जो विंडो और हेल्प है ये लगभग सभी एप्लीकेशन में होते हैं। फाइल और एडिट लगभग सभी एप्लीकेशन में होते हैं। विंडो और हेल्प, फाइल और एडिट लगभग सभी एप्लीकेशन में मिल जाते हैं। टैली वैल्यू को छोड़ करके लगभग सब में ये मिल जाते हैं, जिनका यूज लगभग बेसिकली वही होता है जो सब एप्लीकेशन में होते हैं। फाइल मीनू आपका और एडिट मीनू और विंडो और हेल्प मीनू लगभग सब में एक ही जैसे काम करते, कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस अलग अलग एप्लीकेशन में फाइल मेनू और विंडो मेनू के अंदर कुछ ऑप्शन क्या होते हैं कि बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आप नोटपैड के बारे में जानेंगे तो नोटपैड में फाइल के अंतर्गत न्यू, ओपन, सेव, सेवेज, प्रिंट और पेज सेटअप, एग्जिट करके आता है। उसी तरीके से आपका एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, अंडो, रीडो, फाइंड, रिप्लेस, गो टू और डिलीट, ये आते हैं। लेकिन अगर आप लिब्रे ऑफिस में चलेंगे तो इसके अंतर्गत क्या जाएगा, फाइल के अंतर्गत न्यू आएगा, न्यू टेम्पलेट आएगा, सेव आएगा, सेव एज आएगा, सेव ऑल आएगा, सेव ये कॉपी आएगा, सेव ऑल कॉपी आएगा, सेलेक्ट ऑल आएगा, सेव ऑल आएगा, उसके बाद विजार्ट आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, वर्जन आएगा, और क्या नाम है कि रिसेंट आएगा, और एक्सपोर्ट आएगा, इंपोर्ट आएगा, और एग्जिट आएगा, प्रिंट आएगा, प्रिंट प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद क्या नाम पेज सेटअप आएगा, ऐसे करके सेंड आएगा, ऐसे करके ढेर सारे क्या नाम है कि इसके अंतर्गत आते हैं। फाइल मेनू के अंतर्गत, फाइल मेनू के अंदर आपका न्यू आएगा, ओपन आएगा, न्यू टेम्पलेट आएगा, सेव आएगा, सेव एज आएगा, ओपन ऑल आएगा, और रिवर्ट आएगा, रिवर्ट के बाद विजार्ट आएगा, वर्जन आएगा, वर्जन के बाद आपका एक्सपोर्ट आएगा, इंपोर्ट आएगा, सेव टू ऑल आएगा, सेव ए कॉपी आएगा, सेव ये ऑल कॉपी आएगा, सेव ये ऑल कॉपी आएगा, एक्सपोर्ट आएगा, एक्सपोर्ट के बाद इसमें प्रिंट आएगा, पेज सेटअप आएगा, प्रिंट प्रीव्यू आएगा, और उसके बाद एग्जिट आएगा, ऐसे करके कुल 12 या 13 विकल्प आते हैं, 12 या 13 विकल्प आते हैं। तो इसमें भी कंट्रोल, न्यू का मतलब कंट्रोल एन होता है, और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी न्यू का मतलब कंट्रोल एन ही होता है, लेकिन इसमें न्यू टेम्पलेट दे दिया गया है। टेम्पलेट, इसमें एक टेम्पलेट आता है, टेम्पलेट का मतलब होता है कि बना बनाया या नमूना कहते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन होती है, कंट्रोल शिफ्ट क्या होती है, यन होती है, इसकी शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यन होती है, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की भी शॉर्टकट की, सेव करने की शॉर्टकट के कंट्रोल प्लस क्या होता है, यस होता है, और सेव एज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है, यस होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की जो आपका होता है, ये आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है। और एग्जिट यानी कि क्लोज की जो शॉर्टकट की होती है, क्लोज की, इसमें कंट्रोल प्लस क्या दिया गया है, डब्ल्यू दिया गया है, डब्ल्यू, और एग्जिट की शॉर्टकट की इसमें दिया गया है कंट्रोल प्लस क्यू दिया गया है, कंट्रोल प्लस क्यू दिया गया है, और प्रिंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी ही दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंतर्गत क्या नाम है कि
और भी अंतर दिए गए हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव की तो कंट्रोल एस होता है, लेकिन सेव एच की शॉर्टकट की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एफ 12 होता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज नहीं करता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एच एफ 12 फंक्शन की एफ 12 से होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये अंतर है उसमें अंतर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एच की शॉर्टकट की एफ 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एच की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2 होता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस O होता है, और वर्ड में कंट्रोल प्लस क्या होता है कि F2 होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि O होता है और उसमें F2 होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस क्यू करने से क्लियर पैराग्राफ होता है, लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल प्लस क्यू करने से पूरा लिब्रे ऑफिस बंद हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस W करने पर करंट विंडो बंद हो जाती है, तो लिब्रे ऑफिस में भी कंट्रोल W करने से करंट विंडो क्या होती है कि बंद हो जाती है। अल्ट एफ 4 सबको बंद कर देता है, तो ये लिब्रे ऑफिस को भी क्या करेगा कि अल्ट एफ 4 बंद कर देता है। ये अंतर आपको इतना देखना है, अंतर आपका इसमें इतना ही है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की अलग है और लिब्रे ऑफिस में सेव एज की शॉर्टकट की अलग है, ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद एडिट मेनू के अंदर कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट अंडो रीडो फाइंड रिप्लेस गो टू, ये सेम है, अलग नहीं है। कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कंट्रोल जी कंट्रोल एच कंट्रोल क्या नाम कंट्रोल जी कंट्रोल एफ ऐसे करके क्या है कंट्रोल ए डिलीट ये सब क्या है ये कई तरीके से यूज होते हैं, लेकिन इसमें पेस्ट स्पेशल दे देता है किसमें लिब्रे ऑफिस में एडिट मेनू के अंदर जब हम यूज करेंगे तो इसमें पेस्ट स्पेशल दे देता है। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की इसमें हो जाती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है कि वी होता है, जो पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है कि उसको अलग अलग हिसाब से पेस्ट करना होता है, चाहे वो आप टेक्स्ट में कर सकते या फिर HTML के रूप में कर सकते हैं या और किसी रूप में कर सकते हैं, ये चीज है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मेट में उसको पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी होती है, ठीक है, ये चीजें। बाकी चीजें क्या होती है कि सेम होती है, लेकिन एडिट मेनू के अंदर क्या आता है कि आपका एडिट मोड भी आता है। क्या आता है? एडिट मेनू के अंदर एडिट मोड आता है, और एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या होती है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है कि यम होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यम होता है एडिट मोड। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या होती है। उसी तरीके से आपका व्यू मेनू है, तो व्यू मेनू आपके किसी भी एप्लीकेशन में जो आपका स्टेटस बार होता है, रूलर होता है और स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, वर्टिकल जो भी होते हैं, इनको शो कराना, हाइट कराना करता है, शो करा सकते हैं, हाइट करा सकते हैं, किससे? व्यू मेनू के मदद से शो कर सकते हैं, हाइट कर सकते हैं। और साइड बार भी आपका व्यू मेनू के अंदर ही मिलता है, साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5 होती है, ठीक है। और भी उसके अंतर्गत एक कमेंट होता है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होता है कमेंट की शॉर्टकट की, ठीक है। और उसमें फुल स्क्रीन भी आपका होता है, फुल स्क्रीन, और फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की जो इसमें होती है फुल स्क्रीन, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे होता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे नहीं होता है। उस तरीके से आप कर सकते हैं फंक्शन की या F11 को दबा करके फुल स्क्रीन, ठीक है, ये चीज है। लेकिन अब ये आता है कि इसके अंतर्गत जो बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या नाम है कि जस्टिफाई होता है, और सेंटर लाइन होता है, सेंटर लाइन के बाद क्या होता है, राइट होता है, और उसके बाद आपका लेफ्ट होता है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जस्टिफाई, सेंटर लाइन, राइट और लेफ्ट अलाइन, इन सब की शॉर्टकट की एक ही है। बोल्ड की कंट्रोल प्लस बी होती है, और क्या नाम है कि इटैलिक की कंट्रोल प्लस आई होती है, जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे होता है, और राइट का कंट्रोल प्लस आर होता है, लेफ्ट का कंट्रोल प्लस क्या नाम है कि L होता है, और सेंटर का कंट्रोल प्लस E होता है, जो कि लिब्रे ऑफिस में जो है वही आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रूलर का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस R नहीं होता है,
ठीक है, ये चीज है। बाकी इसके अंतर्गत जो सुपर स्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होते हैं? तो सुपर स्क्रिप्ट जैसे कि हमें किसी के घात पावर लगाना है ऐसे, या फिर ऐसे हमको लिखना है तो H2O या फिर 10th लिखना, तो ये आपका सुपर होता है, ये आपका सब होता है। तो लिब्रे ऑफिस में सुपर की शॉर्टकट की सुपर की शॉर्टकट की जो होती है वो कंट्रोल प्लस क्या होता है कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, और सब स्क्रिप्ट की जो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या होता है कि बी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी होता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस होता है, और सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल यानी कि इक्वल होता है, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है। ठीक है यार, कंट्रोल प्लस इक्वल यानी कि प्लस और इक्वल प्लस, ठीक है, ये होता है कंट्रोल प्लस इक्वल होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये बिल्कुल सेम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका क्या होता है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होती है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के होता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। कुछ ऐसे शॉर्टकट की जैसे आपको बताया कि सेवेज का अलग है और प्रिंट प्रीव्यू का अलग है, क्लोज का अलग है, वैसे आपको उसमें मिल जाता है, फुल स्क्रीन का अलग है ना, तो ये आपका इतना ये अंतर है। ठीक है, बाकी अब इसके अंतर्गत इंसर्ट आता, तो इंसर्ट के अंदर आपका वही आता है, पाई चार्ट आते हैं, चार्ट के बाद इसमें क्या नाम है कि पिक्चर आएगा, मीडिया आएगा, कमेंट आएंगे, शेप आएंगे, यही चीज आपको मिलेगा जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत पढ़े हैं। एक आध दो तो इसमें क्या हुआ कि चेंज मिलेगा, वही आपको क्या करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, इंसर्ट के अंदर ब्रेक मिलता है, ब्रेक पेज ब्रेक मिलता है, इंसर्ट के अंदर आपको पेज ब्रेक मिलेगा, और पेज ब्रेक की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इंटर होती है, तो कंट्रोल प्लस इंटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, कंट्रोल प्लस इंटर आपका इसमें भी होगा, अलग कोई चेंज नहीं होगा, बस फर्क क्या है कि लिब्रे ऑफिस में दे देगा मैनुअल ब्रेक रो ब्रेक, मैनुअल ब्रेक रो ब्रेक दो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर तो मैनुअल ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट इंटर करेंगे तो रो ब्रेक, ऐसे आपका होता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक होता ही है, उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कंट्रोल इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक होता है। हाइपरलिंक का कंट्रोल प्लस के होता है जो कि इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, वैसे आपका यह भी इंसर्ट मेनू में पाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी इंसर्ट मेनू में पाया जाता है। ये चीज है, कमेंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी होती है, और उसमें आपका कमेंट भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट में भी कमेंट रहता है। फॉर्मेट के अंदर आपके पेज से संबंधित आ जाएंगे, पेज में कलर करना, पेज में बॉर्डर लगाना, पेज में वाटरमार्क लगाना है, पेज में स्टाइल करना है, तमाम तरह के संबंधित जो भी चीजें, कॉलम करना, पेज में कॉलम लेना है, ये चीजें मिल जाएगा। और इसके अंतर्गत जो टेबल मेनू है, टेबल की शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस F12 होता है, कंट्रोल प्लस F12 होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करके होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत। उसी तरीके से आपका टूल्स मेनू है, स्टाइल मेनू है, फ्रॉम मेनू है, विंडो है और हेल्प है। टूल्स स्टाइल फ्रॉम टूल्स मेनू के अंतर्गत वही आपके हेडिंग वन हेडिंग टू ऐसे करके मिल जाते हैं, लैंग्वेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपको वैसी मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिला, वैसे आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें तो अंतर जो था वो आपको बताया। अभी जो क्वेश्चन ऐसे तैयार अब हुआ राइटर से और लिब्रे ऑफिस से क्या हुआ, अब इसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स। लिब्रे ऑफिस में वर्ड के लिए किसका उपयोग करते हैं, राइटर का। लिब्रे ऑफिस में नंबर कैलकुलेट के लिए केल का। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए इंप्रेस का। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो बाय डिफॉल्ट साइज कितना परसेंटेज तक जूम होता है, 400% तक, कम से कम कितना होता है 20% तक। लिब्रे ऑफिस में रूलर की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर। लिब्रे ऑफिस में साइड बार की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F5। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट J। लिब्रे ऑफिस में क्या नाम है, कमेंट की शॉर्टकट की अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी। लिब्रे ऑफिस में बोल्ड की शॉर्टकट की वही होती है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है, जी हाँ वही होती है। लिब्रे ऑफिस में जस्टिफाई की शॉर्टकट की वही राइटर में वही होती है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है, जी हाँ वही होती है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेवेज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यस होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में
प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेवेज की शॉर्टकट की एफ 12 होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ 2 होता है, ठीक है, ये अंतर है। बाकी आपका सारा चीज़ें क्या है कि उसमें सेम रहता है, कोई डिफरेंस कोई परिवर्तन नहीं रहता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, डॉट ओडीटी होता है। लिब्रे ऑफिस में साइड बार किस मेनू में पाया जाता है, व्यू मेनू में पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपका क्या था, लिब्रे ऑफिस राइटर और राइटर से संबंधित जो क्वेश्चन थे ये। बाकी और भी जब आपको प्रैक्टिकल बताएंगे तो इसमें और विस्तार से बताएंगे। फिर आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।